ये जगह प्रायद्वीपीय भारत में डेनिश या डेनमार्क के निवासियों की कॉलोनी हुआ करती थी, जो लगभग 200 सालों तक उनके अधीन रहा। डेनिश वास्तुकला शैली में निर्मित यहाँ की इमारतें इनके महान अतीत की साक्षी हैं। उपनार नदी के मुहाने पर मौजूद और कोरोमंडल तट से सटा ये कम जाना और परखा गया हीरा तरंगमबडी है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में तरंगमबडी को डेनिश लोगों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बसाया था। इसके अलावा इनका एक और भी उपनिवेश सेरामपुर था, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तरंगमबडी की इमारतों की खास बात यह है कि इनकी दीवारों में इस जगह से जुड़े कई अनजाने ऐतिहासिक पहलू संजो कर रखे गए हैं। आइए आपको इनके सफर पर ले चलते हैं। हालांकि तरंगमबडी के शुरुआती इतिहास के बारे में हमें खास जानकारी नहीं है, यहां पर मौजूद पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर पांड्यन प्रथम द्वारा निर्मित मासिलमानी नाथर मंदिर इस बात का गवाह है कि 14वीं शताब्दी में यहां पांड्यों का शासन कायम था। मगर इस जगह की महत्वता 17वीं शताब्दी के दौरान तब आई जब डेनिश लोग यहां आए। पुर्तगालियों, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजों के मसाले और अन्य वस्तुओं के व्यापार में सफलता पाने के बाद सन 1616 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ के चार्टर के तहत डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसके बाद डेनमार्क और एशिया के बीच व्यापारिक गतिविधियां शुरू हुई। 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद किस्मत तब चमकी जब सन 1620 में डेनिश एडमिरल ओवे जेड़े को तत्कालीन तंजावुर राजा रघुनाथ नायक से 3,000 रुपए के वार्षिक शुल्क के तहत तरंगमबडी में अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली। जगह के नाम के उच्चारण में कठिनाई के चलते इसका नाम ट्रैंक्वी बार रखा गया। फिर यहीं से भारत के पहले डेनिश उपनिवेश की शुरुआत हुई, जिसके तहत डैन्सबर्ग किले का निर्माण हुआ। ये डेनिश लोगों द्वारा निर्मित किलों में क्रॉनबर्ग किले के बाद दुनिया का दूसरा विशाल किला हुआ करता था। कहा जाता है कि इस किले के भीतर पूरी एक बस्ती हुआ करती थी। इस किले में हर दिशा पर एक बुर्ज मौजूद है और इसके भीतर भंडारण केंद्र, रसोई, चर्च, जेल, बैरक और व्यवसाय केंद्र भी होते थे, जहां से डेनिश लोग अपना कारोबार चलाते थे। किले के पूर्व और पश्चिम कोनों में समंदर होने के कारण इसको प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध थी। ये बात अधिकतर लोग नहीं जानते कि तरंगमबडी भारत और तमिलनाडु के कई पहली बार दर्ज हुए कुछ अंशों का गवाह है। इसको मुमकिन एक जर्मन पादरी बार्थोलोमस जीजन बॉल्ग ने किया था, जो तमिलनाडु के इतिहास में एक अहम स्थान रखते हैं। 9 जुलाई सन 1706 में वे हेनरिच प्लूशाव के साथ प्रोटेस्टेंट मिशन के तहत यहां आए थे। दिलचस्प बात यह है कि यह जीजन बॉल्ग की ही देन थी, जिसके कारण तरंगमबडी को 2 महत्वपूर्ण चर्च, जियोन चर्च और न्यू जेरुसलम चर्च सन 1710 के दशक के दौरान मिले, जिनमें से जियोन चर्च भारत का पहला प्रोटेस्टेंट चर्च माना जाता है। ये दोनों चर्च आज भी तरंगमबडी की शान बढ़ाते हैं। जीजन बॉल्ग ने तमिल सीखने के साथ साथ ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल को सन 1713 में उसी भाषा में अनुवाद किया, जो इस ग्रंथ की किसी भारतीय भाषा के पहले अनुवादित संस्करणों में गिनी जाती है।
इतना ही नहीं, 17वीं शताब्दी में गोवा और मुंबई के साथ साथ यहां भी भारत के पहले प्रिंटिंग प्रेस की नींव रखी गई थी, जिस प्रेस के माध्यम से बाइबल की छपाई होती थी वो आज जीजन बॉल्ग हाउस में देखी जा सकती है। और यहां पहली तमिल बाइबल और जीजन बॉल्ग के हाथों से लिखी बाइबल भी मौजूद है। तरंगम बड़ी में 13 साल गुजारने के दौरान जीजन बॉल्ग ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो तमिलनाडु और भारत में पहले माने जाते हैं। इनमें प्रमुख है भारत का पहला पेपर मिल, बालिका विद्यालय और यहां छापी गई स्कूली किताबें। तमिल की पहली डिक्शनरी भी तरंगम बड़ी से ही आई थी। इनके आगमन के 300 वर्ष पूरा करने के अवसर पर यहां पर हाल ही में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। ये डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बदकिस्मती थी कि उसको अपने सक्रिय वर्षों के दौरान स्थिरता बहुत कम बार नसीब हुई। जहां कभी कभी इसका दिवाला निकल जाता था तो कभी कभी यह बंद हो जाता था, मगर इसकी आंच तरंगम बड़ी में कभी नहीं पड़ी, जहां पर डैनिश लोग अपनी शुद्ध डैनिश वास्तुकला के जरिए अपने चरम पर पहुंच रहे थे, जिसकी छाप हमें गवर्नर हाउस, वैन थैलिंगन बंगलो और टाउन गेट जैसी इमारतों में आज भी दिखाई देती है। मगर 19वीं शताब्दी के आते आते नेपोलियन युद्ध के तहत डैनिश लोगों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा, जिसके कारण बीच में तरंगम बड़ी पर अंग्रेजों का भी कब्जा हुआ। आखिरकार सन 1845 में डैनिश लोगों ने सेरामपुर के साथ तरंगम बड़ी को 25 लाख रुपए की कीमत पर अंग्रेजों के हवाले किया। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद तरंगम बड़ी 3 दशकों तक वीरान रहा, जहां पर डैन्सबर्ग किला एक सरकारी बंगला हुआ करता था। मगर सन 1980 के दशक में जब भारतीय पुरातत्व विभाग और तमिलनाडु के राज्य पुरातत्व विभाग की इस पर नजर पड़ी, तब इसके पुनर्निर्माण पर काम शुरू हुआ, जिसके कारण ये आज एक संग्रहालय है, जहां पर किले और डैनिश साम्राज्य से जुड़े कई अवशेष और वस्तुएं यहां देखी जा सकते हैं। ट्रैंक्वी बार मैरीटाइम म्यूजियम जैसे संग्रहालय इनके बीते इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा भारत और डेनमार्क के कई सरकारी और प्राइवेट संगठनों की संयुक्त सहायता से यहां मौजूद इमारतों को उसकी खोई गरिमा वापस दिलाई गई है। आज तरंगम बड़ी डेनमार्क के भारत में बीते सुनहरे कल का खामोश गवाह है।